जय श्री राम, जय मेहंदीपुर धाम की जय। प्रिय भक्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल भगत शिरोमणि बालाजी दरबार में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेहंदीपुर बालाजी की अर्जी घर से कैसे लेकर जानी चाहिए। भक्तों, मेहंदीपुर की दो अर्जी बालाजी के दरबार में जाती है। ये पहली अर्जी बालाजी की है, दूसरी माँ काली की लगती है। पहली अर्जी ये 100 मीटर लाल वस्त्र हो गया, उसके बाद में एक मुट्ठी चावल, उसके बाद में एक चुनटी हल्दी, फिर एक चुनटी घर की मिट्टी, उसके बाद में एक सूखा नारियल, 181 या 182 रुपये। 100 मीटर वस्त्र लेके पहले ऐसे अच्छी जगह पर, शुद्ध जगह पर बिछा ले। बिछाने के बाद में एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल, उसके ऊपर एक चुनटी हल्दी डाल ले। उसके बाद में घर की मिट्टी, एक चुटकी घर की मिट्टी डाल ले। के बाद में 181 रुपये इस तरीके से रखे। और नारियल बजने वाला सूखा होना चाहिए, एकदम सूखा नारियल बजने वाला, उसको ऐसे रख लें। और अपनी मनोकामना हो वो एक पक्षी पे लिख के डाल सकते हो, वो नए भी डाले तो अपनी भावना लेके, अपनी मनोकामना जो भी है बोल के और अर्जी को ऐसे बांधते जाए, ऐसे बांधते जाए, इस टाइप से अर्जी को बांधते जाए। ये अर्जी बांधने का तरीका, ये अर्जी से हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। मेहंदीपुर की सच्ची अदालत में ये अर्जी भक्तों की लगती है। कोई भी तरह का घर में संकट हो, तकलीफ हो, काम नहीं चलता हो, कोई यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका कोई किया कराया हो, ये एक अर्जी सब संकट निकाल देती है। ये बांधने का तरीका अर्जी का। ये अर्जी से घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहती। ये अर्जी बन गई। अभी इस अर्जी को पहले बाबा की मनोकामना बोल के, उसके बाद में सबसे पहले पूरे घर से ऐसे पूरे घर से घुमाओ। सबसे पहले कोई घर का स्थान नहीं छूटे। ऐसे पूरे घर से घुमा लो। उसके बाद में चूल्हे पर गंगा जल का छींटा दे के, चूल्हे को एकदम साफ करके गंगा जल का छींटा दे के ऐसे 7 बार घुमाओगे। उसके बाद इसको मंदिर में रख दो, बाबा के आगे, बालाजी के आगे रख के अपनी मनोकामना फिर से दोहरा के प्रार्थना करके रखो। जब भी मेहंदीपुर जाओ इसको उठा के और बाबा से प्रार्थना करके और घर से आवाज दे के निकलना है कि बाबा मेरी जो मनोकामना वो पूर्ण करे। और ये सीधा बाबा के चरणों में चढ़ानी है। और इसी तरह ये माँ की एक काली चुन्नी 21 रुपये और एक सूखा नारियल बजने वाला, ये माँ काली की लगेगी, ये चढ़ानी है मेहंदीपुर की। ये दो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भक्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम, जय मेहंदीपुर धाम की जय, प्रेतराज सरकार की जय।